नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिया है साफ किया हुआ चिकन। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 से 2 चम्मच घी, नमक स्वाद अनुसार, चिकन मसाला, 1 कटोरी दही, पुदीना के पत्ते, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अब ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसे 1 से आधा घंटा साइड में रख देंगे। अब हम एक बर्तन में घी लेंगे और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल के प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इस प्याज को हम बिरयानी के ऊपर गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। हमने प्याज को निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी घी। अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले, प्याज कटा हुआ, यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने मैरिनेशन में भी यूज़ किया है। अब इसे ढककर कुछ देर तक पकाएंगे, जब तक कि हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च, पुदीना पत्ता और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे अच्छे से मिलाकर 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे। पाँच से सात मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, चिकन बिरयानी मसाला, धनिया पत्ता और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से मिलाकर इसे थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। अब हम बिरयानी का चावल तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने डाले हैं 2 से 3 इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी। अब पानी को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। चिकन को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धुले हुए बिरयानी चावल। चावल को हमें सिर्फ 90% कुक करना है और अब हम चावल को छान लेंगे। अब चिकन पक चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम।
और इसे अब हम थोड़ी देर लो फ्लेम पर रखकर इसमें हम दम देंगे। अब हमारी बिरयानी तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावल और मसाले अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिल चुके हैं। अब हम इसमें ऊपर से भुना हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते और एक चम्मच घी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।